थोड़ा उसको ठीक करिए। और ये बताइएगा कि कुल अभी तक इंदौर का आंकड़ा कितना पहुंच गया, कितने डिस्चार्ज हो गए हैं, कितनी की मौत हो चुकी है। एक बार फिर निर्मल के पास चलते हैं अपन। जी निर्मल जी, देखिए आज का दिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। जिस तरीके से औरंगाबाद की घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, और अभी जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे थे वो रेलवे ट्रैक और वहां बिखरी हुई रोटियां और खून से सनी हुई रोटियां, तो ये वाकई आज जो बड़ा ही दारुण दृश्य जो है पूरे प्रदेश को इसने झकझोर कर रख दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जालना में एसआरजी कंपनी में ये मजदूर काम किया करते थे, जिनके साथ ये गंभीर और दर्दनाक हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री ने हालांकि जालना महाराष्ट्र, जी जालना महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास है, ये एसआरजी कंपनी है, ऐसा बताया जाता है कि स्टील की कंपनी है ये। और ये शायद वहां से पैदल चल के भुसावल आने वाले थे, उनको खबर मिली थी कि भुसावल से उनको स्पेशल ट्रेन मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बदनापुर और करनाल स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है, और इन मरीजों को ये उम्मीद थी कि भुसावल से ये ट्रेन पकड़ लेंगे, और उसी कश्मकश में ये जा रहे थे। करीब 40 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय कर लिया था, और देर रात जब ये थक कर चूर हो गए तब ये रेलवे ट्रैक पर सो गए। और कुछ मरीज जरूर भाग्यशाली रहे, कुछ मजदूर जरूर भाग्यशाली रहे जो ट्रैक से थोड़ा सा दूर थे, तो करीब आधा दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के जो ड्राइवर था उसने हॉर्न भी बजाया था, लेकिन चूंकि इतने नींद में गाफिल थे और थकान की वजह से वो सुन भी नहीं पाए, और दूसरा जो है मालगाड़ी की गति जो है वो भी ज्यादा बताई जा रही है। एमपी सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने 5-5 लाख रुपए जो है मृतकों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया। निर्मल निर्मल हम आते हैं आपके पास, अजहर शेख एक बार फिर जुड़ गए हैं। अजहर, जैसा कि मैंने कहा था कि कुल आज कितने पेशेंट मिले हैं आज या कल में, और कितने हो गए टोटल इंदौर में, और कितने डिस्चार्ज हुए और कितनी मौत हुई? इंदौर में फिलहाल में अभी तक का जो आंकड़ा है वो देर रात बुलेटिन जारी हुआ था मेडिकल का, जहाँ पर 1717 जो पॉजिटिव मरीज है वो पूरे अभी तक पाए गए, जहाँ पर 28 मरीज देर रात आंकड़े जब बुलेटिन में सामने आए थे, वही 86 मौत का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गुजर वाली बात है, प्रशासन में ये खुशी की लहर है इंदौर वासियों के लिए कि जो डिस्चार्ज हुए वो कल 68 मरीज डिस्चार्ज हुए थे, जहाँ पर 600 जो मरीज है कुल अभी तक स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। जी, सैंपल कितने लिए गए हैं कल और आज में, और सैंपल जो अभी 28 मरीज सामने आए हैं जो क्वारंटाइन थे उनके सैंपल थे या ये सामान्य लोगों के सैंपल थे? आज की जो जारी होना वो जारी होना, जहाँ पर जो है वो नेगेटिव जो सैंपल पाए गए थे, जहाँ पर 370 के जो करीब जो सैंपल लिए गए थे, जहाँ पर कुल अभी तक जो सैंपल की जो रिपोर्ट सामने आई है वो है 11,333, जहाँ पर कुल जो सैंपलिंग रिपोर्ट आई है। वहीं पर जो क्वारंटाइन एरिया है जहाँ पर कल 74 जो मरीज है जो क्वारंटाइन जो एरिया में जो थे जो गार्डनों में थे वहाँ पर डिस्चार्ज किया गया, तो अथवा तो खुद जो मरीज थे जो क्वारंटाइन जो गार्डन में रह रहे थे जिनको प्रशासन ने क्वारंटाइन किया गया था वो भी डिस्चार्ज हुए। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा जो अस्पतालों का आंकड़ा है जिसमें जो क्वारंटाइन एरिया में जाओ जो मरीज रह रहे थे वो आंकड़ा है, तो लगातार ये जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं, तो एक इंदौर के लिए एक बड़ी खुशक वाली जो खबर है वो शहरवासियों के लिए प्रशासन के लिए। बिल्कुल अजहर, जैसे कि वहाँ पर टारगेट रखा गया है कि 1000 से 1100 तकरीबन सैंपल रोज भेजे जाएंगे, तो रोज उनकी रिपोर्ट आ रही है पूरे की या फिर 400-500 रिपोर्ट ही आ पाते हैं? देखिए फिलहाल में जो कल की जो बुलेटिन हमने देखा था उसमें जो लगभग 370 जो सैंपलिंग गए थे, जहाँ पर जो सिर्फ 28 जो पॉजिटिव पाए गए थे, बाकी जो थे वो नेगेटिव आए थे। लेकिन बराबर ये बात जो सही है कि कुछ जो जाते हैं वो बाहर गई है, उनकी रिपोर्ट अभी फिलहाल में आना भी बाकी है। लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं जो कलेक्टर हैं वो बिल्कुल ये बात से खुश नजर आ रहे हैं, हमने जो अस्पताल में कम से कम 70% जो है मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं, तो जो आंकड़ा जो है वो कम भी नजर आ रहा है। जी अजहर, एक अंतिम सवाल, एक आईबी की टीम पहुंची है वहां पर ये जानने के लिए, वहां साइलेंट करियर कौन है, ऐसे कौन से संदिग्ध लोग हैं, तो कहां था वो आईबी की टीम पहुंची, क्या कुछ पता लगा पाई, कुछ जानकारी है आपके पास? फिलहाल में अभी तक जो कलेक्टर ने जहां पर बात की थी, कलेक्टर ने अभी इन जो सारी चीजों से मीडिया को सारी चीजों से दूर रखा, सवाल दूर रखा, जहाँ पर स्वास्थ्य के अधिकारी प्रवीण जरिया उनसे भी बात हुई थी। फिलहाल में उन्होंने भी जहाँ पर जो मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो सैंपलिंग आ रहे हैं, जो जो मौत हुई फिलहाल में वो आंकड़े की बात करी। प्रशासन के मनीष सिंह जो है कलेक्टर, उन्होंने बात करी, जहाँ पर मनीष सिंह इस बात को लेकर अभी कुछ नहीं कहा है। जानकारी जी निर्मल जी, आप अपनी बात पूरी करें।
जी बिल्कुल, ये सारे मजदूर शहडोल और उमरिया के थे क्या? जी बिल्कुल, ये सारे मजदूर जो है शहडोल और उमरिया के थे, और चूंकि औरंगाबाद की बात चल रही है तो आज ही सुबह औरंगाबाद से एक स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो है वो भोपाल से सटे अब्दुल्लागंज पहुंची है, और इसमें 1200 मजदूर औरंगाबाद से जो है अब्दुल्लागंज यानी कि भोपाल तक लाए गए हैं। और ये जो मरीज थे, ये जो मजदूर थे, ये खंडवा, खरगोन और सीधी के थे, तो इनको उनके गृह जिले की तरफ बाद में रवाना कर दिया गया। तो देखिए कि वहाँ एक पीछे जो इनके पीछे चल रहे थे उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, ये मजदूर जरूर सौभाग्यशाली से 1200 मजदूर जो अपने घर जाने में सफल हो पाए हैं, और हो सकता है कुछ घंटों बाद अपने घर भी पहुंच जाए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके के दर्दनाक हादसे हो, किस तरीके से दर्दनाक हादसे हो रहे हैं जो पलायन कर रहे हैं श्रमिक, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके साथ, उसका एक उदाहरण और बताना चाहूंगा कि लखनऊ के शहीद पथ पर देखिए, वहाँ एक परिवार रहता था मजदूर का, छत्तीसगढ़ के ये हैं, कृष्णा उसका नाम था, उसकी पत्नी जो है उनका नाम प्रमीला था। जब लॉकडाउन होने के बाद सारे पैसे खत्म हो गए तो कृष्णा ने ये सोचा कि क्यों ना छत्तीसगढ़ ही चला जाए, अपने गृह जिले, गृह राज्य चला जाए। तो साइकिल से कृष्णा और प्रमीला जो है साइकिल से अपने दो बच्चे, 3 साल के निखिल और चांदनी 4 साल की बच्ची के साथ साइकिल से ही रवाना हुए। लेकिन अफसोस की बात है कि लखनऊ से इनका सफर शुरू ही हुआ था कि जो है शहीद मार्ग, शहीद पथ पर जो है किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी, और पति पत्नी की जो है हॉस्पिटल में दर्दनाक मौत हो चुकी है, और दोनों छोटे बच्चे जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये वाकई बड़ी दर्दनाक तस्वीरें जो है प्रवासी मजदूरों के साथ पेश आ रही है। जी बिल्कुल निर्मल, हमारे साथ विजय नीमा जुड़ गए हैं उज्जैन से। क्या उज्जैन में उज्जैन की आज क्या ताजा अपडेट है विजय? जी सर, बताना चाहूंगा उज्जैन में आज सुबह 19 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 8 वडनगर के एक ही परिवार के लोग हैं, और उज्जैन में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 220 हो गई है, और अभी तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है उज्जैन में। हाटीघाटी अस्पताल की अगर बात करें तो एकमात्र अस्पताल है, और कहीं ना कहीं इसकी स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या उज्जैन में जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जी सर, प्रतिदिन सैंपल अभी भी लिए जा रहे हैं क्या? जो 8 बड़नगर के हैं वो क्या करते थे, किसके संपर्क में आए थे? जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो लोग 8 बड़नगर के हैं, वो जो पिछली बार वेद परिवार पॉजिटिव 20 लोग पाए गए थे उनका पड़ोसी है, और कहीं ना कहीं उन लोगों के संपर्क में आने से ही संभवत ये बीमारी इनको लगी है। क्या ये पहले से क्वारंटाइन थे कि क्या था? जी मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिन पहले इनके परिवार के कुछ सदस्यों के सैंपल लिए गए थे, वो पॉजिटिव आए थे, उसके बाद इन्हें बड़नगर में ही एक निजी होटल में क्वारंटाइन किया गया था, उसके बाद इनके सैंपल लिए गए थे, रिपोर्ट इनकी आज पॉजिटिव आई है। 21 लोगों के सैंपल लिए गए थे जिसमें से 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लिए गए हैं कितने सैंपल? चार हजार से अधिक है, और उसमें से 3910 की रिपोर्ट और 187 की रिपोर्ट आना अभी तक बाकी है। ये सब संदिग्ध एरिया वाले हैं, ये क्वारंटाइन कहीं किए गए थे कि अलग से हैं? जी बताना चाहूंगा कि ये जिन लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया था उनकी रिपोर्ट आई है, और बाकी जो एरिया क्वारंटाइन किए गए हैं वहाँ से भी सैंपल लेने की प्रशासन को जरूरत है, क्योंकि ब्लड सैंपल वहाँ से लिए जाएंगे तो ही ये इस पर रोकथाम लग पाएगी। बिल्कुल, उज्जैन में जो 11 हैं वो वही कैंटोनमेंट एरिया से हैं जो पहले से सीज है? जी मैं बताना चाहूंगा कि ये कंटेनमेंट एरिया के ही लोग हैं जिनके सैंपल प्रशासन द्वारा लिए गए थे, और साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि आपको हाटीघाटी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं, जिसको लेकर सांसद अनिल फिरोजिया और उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन ने भी सरकार से मांग की थी। इसके बाद यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं तो सुधरी है, लेकिन अभी भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि एकमात्र हॉस्पिटल है, और कई बार यहाँ के पेशेंट जो भर्ती थे पॉजिटिव पेशेंट उनने वीडियो वायरल करके यहाँ की खामियों को उजागर भी किया था। चले तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विजय नीमा, हमारे साथ बने हुए हैं लगातार निर्मल जी। जी निर्मल जी, देखिए उज्जैन की ही अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे, और उज्जैन लगातार कोरोना के कहर के मामले में तीसरे पायदान पर चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि करीब 42 मौतें अभी तक यहां हो चुकी हैं, और 50 मरीज जो है ठीक होकर घर जा चुके हैं।
तो उज्जैन क्या अभी 3 दिन पहले ही राज्य सरकार ने जिस हिसाब से देखी उज्जैन की, खासकर हमारे संवाददाता ने जिक्र किया आरडी गार्डी जो हॉस्पिटल है उसकी अव्यवस्थाओं की जो कलई देखी, तो उसके बाद कलेक्टर को वहां से हटा दिया और इंदौर नगर निगम कमिश्नर को वहां पर कलेक्टर बनाया है। अब नए कलेक्टर ने वहां जाते ही व्यवस्थाओं को थोड़ा कसना शुरू किया है। नवागत कलेक्टर जो है उन्होंने डॉक्टरों की बैठक ली है, उनको उनकी जिम्मेदारी बताई है, साथ ही कुछ परिवर्तन भी उनकी जिम्मेदारी में किया है। इसके अलावा आज जो है स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन के जो विधायक हैं उनसे चर्चा की और मैदानी हालातों को जानने की कोशिश की है। जो सुझाव उन्हें विधायकों के जरिए मिले हैं उन पर भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए। जी बिल्कुल, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन भोपाल में आज कितने सैंपल लिए गए, कुछ है जानकारी आप? देखिए भोपाल में कितने सैंपल की, ये चूंकि अभी जो रिपोर्ट आई है 13 पॉजिटिव मरीजों की, ये कितने सैंपल से आई है ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो चुका है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जहांगीराबाद, इसके अलावा अन्य जो हॉटस्पॉट हैं कोहेफिजा, तो करीब 1,000-1,200 के सैंपल्स जो है वो लिए जा रहे हैं और अधिकतर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम गहनता के साथ पुराने शहर में ही काम कर रही है इस समय। जी मुगल जो ये 4 इमली जो पॉश एरिया कहलाता है, 4 इमली शिवाजी नगर जहां से पहले शुरू में ही इनको कंटेनमेंट घोषित कर दिया था, ये इनकी क्या स्थिति है? अभी भी अब तो ठीक होकर के चले गए हैं, चाहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो वहां के रहने वाले लोग हो? देखिए दरअसल बात सोशल डिस्टेंसिंग की आती है और बात जो है कोरोना से निपटने के उपायों की आती है, और 4 इमली का जैसा कि आपने जिक्र किया, शिवाजी नगर का जिक्र किया, तो वीआईपी कॉलोनीज हैं, मंत्री और आईएएस यहाँ पर रहते हैं। 4 इमली का हालात ये कर दिया गया था कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अगर किसी ऑटो वाले को भी वहाँ भीतर जाना है तो बाकायदा पूरी प्रक्रिया के साथ ही उसको भेजा जाता है। तो ये जो सख्ती लागू की गई है 4 इमली वीआईपी इलाके में और शिवाजी नगर में, यही वजह है कि अब यहाँ से जो है पॉजिटिव मरीजों का आना जो है लगभग बंद सा हो गया है। वहां लगभग स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी है और ये ग्रीन जोन में एक तरह से तब्दील हो चुके हैं। जी उन क्षेत्रों से ज्यादा आ रहे हैं जहां घनी आबादी है, जहांगीराबाद हो, मंगलवारा हो, इस तरफ से ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर जहांगीरा की बात कर लें तो 100-125 के ऊपर यहाँ के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जा चुका है। इसी तरीके से मंगलवारा एक संक्रमण का केंद्र हो गया है। तो पूरा नगर निगम का इस समय फोकस और स्वास्थ्य विभाग का फोकस वो पुराने शहर की वही बस्तियां हो गई हैं, घनी बस्तियां हो गई हैं जहां पर संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। जी और हमारे साथ से जुड़ गए हैं अमित निगम रतलाम से। अमित, जिस तरह से रतलाम में 3 नए केस सामने आए, टोटल संख्या 10 हो गई है, आखिर ये 3 लोग कौन थे? पहले से क्वारंटाइन थे या कहीं बाहर से आए थे? देखिए ये जो आखिरी से 3 जो लोग आज मिले हैं ये पुराने से शिवशंकर कॉलोनी है, वहाँ पर कंटेनमेंट एरिया, और वहीं से 3 लोग निकलकर सामने आए हैं। पहले से इनको मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट कर रखा था और इनकी रिपोर्ट आज आई है जो कि पॉजिटिव है। अब रतलाम में कुल 23 में से 13 लोग ठीक हो चुके हैं और 10 अभी भी संक्रमित है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये लोग किसके संपर्क, आखिर इनको संदिग्ध क्यों माना गया, इनको क्वारंटाइन किसके संपर्क में आए थे? इनका संपर्क जो पहले शिवशंकर कॉलोनी में बाहर से कुछ लोग आए थे संक्रमित होकर, उनके टच में लोग आए थे। बाहर से कौन लोग संक्रमित आए थे? कुछ मजदूर वर्ग के लोग थे वो संक्रमित थे, उनका जांच हुई थी जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद ये लोग उनके आसपास थे और उनके संपर्क में आए थे, उसके बाद इनकी रिपोर्ट आज आई है जो कि पॉजिटिव आई है। तो इनके संपर्क में भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, क्या उनको वो किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है? उस दो जब वहाँ पे पहली बार में शिवशंकर कॉलोनी में जो लोग संक्रमित आए थे उसके बाद उसको कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया था और वहाँ पर प्रशासन के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा टेस्टिंग आदि की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके पश्चात सभी के सैंपल लिए गए थे, उसमें से ये 3 सैंपल पॉजिटिव आए। चलिए कुल सैंपल कितने लिए गए अभी तक? कुल 661 सैंपल लेकर भेजे गए थे कल की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें से 525 के रिजल्ट अभी बाकी है और 32 की रिपोर्ट आज आई थी, जिसमें से 3 संक्रमित आज मिले। क्या फिर से एक बार बताइए, कुल 600 से ज्यादा सैंपल लिए गए जिसमें सारी रिपोर्ट, 500 से ऊपर रिपोर्ट अभी आनी बाकी है? 665 रिपोर्ट कल भेजी थी और 525 की रिपोर्ट आ गई थी। नहीं तो अभी तक टोटल, अभी तक जब से लॉकडाउन चालू हुआ है रतलाम में कुल कितने सैंपल लिए गए?
अभी तक 663 जो है सैंपल भेजे गए टोटल, और जिसमें रिपोर्ट कितनी आनी बाकी है? रिपोर्ट अगर अनुमानित करीब 50-60 रिपोर्ट अभी बाकी है आना। इसमें भी सर कुछ सैंपल जो ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो गए और उनकी वापिस से सैंपल लेकर भेजे गए। अमित पहले ग्रीन जोन में था, अब शायद ऑरेंज हो गया। नहीं सर, अभी ग्रीन जोन में नहीं था, ये ऑरेंज जोन में ही था। और अब जिस प्रकार से केस आ रहे तो लगता है कि अब रेड जोन में रास्ता जाएगा। कल कुछ और रिपोर्ट आना बाकी है, बताया जा रहा है कि उसमें कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकता है। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो रतलाम निश्चित रूप से रेड जोन की ओर जा रहा है और रेड जोन में चला जाएगा। नहीं, ये कौन लोग हैं, क्वारंटाइन है क्या पहले से जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है? जी हाँ, सभी क्वारंटाइन है और उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बाहर हो और उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। चलो, वहाँ आपके यहाँ कोई फॉरेन मतलब विदेश से तो नहीं आया है? नहीं, फॉरेन से कोई ऐसा नहीं है। तबलीगी जमात के जब शुरू में जो लोग आए थे 10 लोग, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। रतलाम में सबसे बड़ा ये जब संक्रमण फैला था तो उसका कारण ये बताया जा रहा है कि इंदौर में संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल को, मोहम्मद कादरी, उनका शव सारे नियम कायदे को साथ में रखकर रतलाम में लाया गया था और उनका कंटेनमेंट एरिया करा गया था। इस दौरान उनका जनाजा निकाला गया था, उसमें 150 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और उसके कारण ही कई लोग संक्रमित हुए हैं। और अभी भी वो कैसे रतलाम में प्रवेश करा और उसके बाद भी कोई कड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन के द्वारा उन पर नहीं की गई है। धारा 144 उल्लंघन और कुछ छोटी मोटी धाराओं में उन पर प्रकरण दर्ज किया गया। इसमें बताना चाहूंगा कि कुछ फर्जी ऐसे लोगों के नाम आए थे जिन्होंने फर्जी पत्रकार की आईडी बनाई थी, वो इस शव को रतलाम में प्रवेश कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी और यही शव के कारण आज रतलाम में इतने पेशेंट मिल रहे हैं। इनके जो संपर्क में आए थे वो लोग ज्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। इन फर्जी पत्रकारों को पकड़ा नहीं गया क्या अभी तक? इनके 2 नाम उजागर करे थे परंतु इनके खिलाफ भी छोटी मोटी धाराएं की गई है और आज भी ये मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि आखिर ये फर्जी पत्रकार कौन थे जिन्होंने फर्जी नकली कार्ड बनाए और एक शव को रतलाम में इंदौर से ले आए और रतलाम में प्रवेश करा दिया। जनाजा भी निकला वहाँ पे, 8 किलो चौकी उसके सामने से जनाजा निकलता है, 150 से लोग शामिल होते हैं, चौकी पुलिस के लोग उसको नहीं रोकते। जो ये घटना पूरी लॉकडाउन में होती है जो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और यही कारण है कि अभी भी लोग इस प्रश्न को बार बार पूछ रहे हैं परंतु प्रशासन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आता है कि उन्होंने आखिरकार ये फर्जी पत्रकार कहाँ गए, इसके अलावा शव प्रवेश कैसे करा रतलाम में, इसका जवाब देने को कोई भी। चलो, लगातार आप उन दो फर्जी पत्रकारों के आप भी नाम बता दीजिए जिससे सबको मालूम पड़ जाए। सर, पुलिस के द्वारा जो लिस्ट जारी करी गई थी उसमें एक तौफीक करके लड़का था, उसका नाम वहां से आया था जो कि शव जहाँ पे ले जाया गया था मोंडे में, वो भी वहीं का रहने वाला था। और दूसरा? दूसरे नाम की जानकारी निकल के सामने नहीं आई। पुलिस का कहना था उन्होंने लिस्ट में नाम है आप देख लीजिए, परंतु वो नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ। परंतु कुछ लोग बताते हैं कि ये व्यक्ति वही मोतीपुरा का रहने वाला है, ये भी उन्हीं के समाज से है और इसी ने पूरे फर्जी कार्ड वगैरह बनाने में मदद करी थी और इस शव को रतलाम में प्रवेश करवाया था। इसके अलावा जो चौकी है और जो टोल नाका के आस पास पुलिस वाले थे वो भी संदिग्ध संदेह में आते हैं क्योंकि रतलाम में इतना बड़ा शव कैसे प्रवेश कर गया जिसकी कोरोना से मौत हुई थी और इसकी भी अभी कोई जांच नहीं हो रही है। जांच की बात की जाती है परंतु जांच नहीं हो रही है। चलिए, रतलाम में बाकी रतलामी सेव पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, सब बंद है काम धाम? सर, रतलामी सेव की जहाँ तक बात की जाए तो रतलामी सेव को बनाने का कल से निर्णय दिया प्रशासन ने, परंतु उनके द्वारा कहा गया कि होम डिलीवरी दी जाएगी, इसलिए रतलाम सेव वालों ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया और न दुकानें खोली है क्योंकि अगर कोई 100-150-200 ग्राम सेव लेना चाहे तो वो घर लेकर नहीं जाएंगे, कम से कम उनको क्वांटिटी में आर्डर मिलना चाहिए जिसके कारण थोड़ी दिक्कतें आई है। परंतु मैं आपको बता दूं कि रतलाम में सेव के शौकीन ऐसे और सेव निर्माता ऐसे हैं जो अंदर घर में बेच के सेव बना रहे हैं और रतलाम वासी उनको लेके खरीद रहे हैं और खा भी रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका विजय तमाम जानकारी के लिए। और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ और नई जानकारी आपके पास? देखिए, यही है कि अब जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से, भोपाल की अगर बात करें तो उसने पूरा ध्यान जो है पुराने शहर और खासकर उन इलाकों पर लगा दिया जाए घनी बस्ती है, और वहां पर नगर निगम ने विशेष अभियान चला रहा है और रात में वहां सैनिटाइजर का जो काम है और साफ सफाई का काम है वहां रात में बहुत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। जी, सैनिटाइजर का काम बड़े व्यापक स्तर पर किया जा रहा है।
और यहाँ भी सैंपल लगवा, यहाँ भी टारगेट दिया गया नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई टारगेट बेसिकली नहीं है सर, इंदौर में ही है। यहाँ पर भी कोई ऐसा निवल जी टारगेट फिक्स किया गया जैसे कि वहाँ 1100 से 1000 जाने ही जाने हैं कैसे भी करके? जी नहीं, यहाँ इस तरीके का कोई जो है टारगेट तो जरूर फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन नगर निगम के जो उपायुक्त हैं राजेश राठौर वो इसका जिम्मा संभाल रहे हैं, और बाकायदा जैसा कि मैंने आपको बताया था कल भी कि पूरा राज्य स्तर पे ये चलाया जा रहा है, जब जो मकान जो है एक तरह से मकानों को पहले पूरी तरह से धोया जा रहा है साबुन से फिर पानी से, तो बहुत लार्ज स्केल पर जो है नगर निगम को ऐसा लगता है कि क्योंकि डेंस बस्तियां हैं, चार चार फीट की गलियां हैं, तो एकमात्र चारा इस समय ये लग रहा है स्वास्थ्य महकमे को ये पूरे के पूरे को बेहतर तरीके से साफ सफाई यहाँ पर की जाए। जी चलिए चलिए निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश मेवाड़ा जुड़ गए हैं आलोट से। राकेश, आलोट में कोई ऐसा कोई है संक्रमित? क्योंकि रतलाम में ही आता है तो वहां पर कोई ऐसा कोई संक्रमित हो, संदिग्ध हो, या फिर कितने सैंपल वहां पर भेजे गए, रिपोर्ट कितनी आना बाकी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो रतलाम है वो ऑरेंज में आता है और आलोट पूरी तरह से ग्रीन है, जबकि आलोट क्षेत्र लगभग 3 जिलों की सीमाओं से सटा हुआ और एक जो राजस्थान राज्य है उसकी सीमा महज 5 किलोमीटर दूर से स्टार्ट होती है, इसलिए आलोट क्षेत्र के लिए काफी मुश्किलों का क्षेत्र बना हुआ है कि लोग कहाँ से घुस नहीं जाए आलोट क्षेत्र में। इस प्रकार की यहाँ पे दुविधा है जिसको चाक चौबंद प्रशासन मुस्तैदी से लोग खड़ा हुआ है और आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए, आलोट से भी सैंपल लिए गए, ग्रीन जोन में है तो आलोट से सैंपल लेके भेजे गए हैं क्या? जी आलोट क्षेत्र से मात्र 3 सैंपल लिए गए थे, हालांकि यहाँ अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं मिला है। ऐसे में ही संक्रमित होने के कारण 3 लोगों के सैंपल जो जिला लेवल पे भेजे गए थे जिसमें से 2 नेगेटिव आए हैं और 1 रिजेक्ट हो गया है। चलिए, ये 2 इनके कौन लोग हैं जिनके सैंपल लिए गए थे, क्या संदिग्ध क्यों माना इनको? जी मैं बताना चाहूंगा कि आलोट क्षेत्र के पास में स्थित गांव डावड़िया है जो लगभग 2 से 2.5 माह पूर्व जोधपुर राजस्थान है, वहां पर वो किसी कार्य या घूमने के हिसाब से गया हुआ था, जिसके बाद ये जब कोरोना महामारी जो शुरू हुई देश में और ऐसे में बताया गया कि सर्दी खांसी इसके मुख्य लक्षण है, और जब उसको काफी समय बीत जाने के बाद कुछ ऐसे लक्षण दिखे तो उसने स्वयं आगे आकर प्रशासन को बताया कि मुझे सर्दी खांसी जैसे लक्षण है, और ऐसे में डॉक्टरों की एक टीम गई और उसको क्वारंटाइन किया गया, उसके सैंपल भी भेजे गए और सैंपल जो भेजा गया वो रिजेक्ट हो गया, हालांकि वो अब तक पूर्ण स्वस्थ होगा क्वारंटाइन से, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। चलिए, बाकी आलोट का पूछ रहे कि क्या है, कैसे सब्जी राशन वगैरह क्या घर पे उपलब्ध कराया जा रहा है, दुकानें किस समय खुल रहा और बंद हो रही है? बिल्कुल, बताऊंगा कि यहाँ पर प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, किराना की जो सामान है लोगों को दुविधा ना हो इसलिए बहुत सारी दुकानों को, अधिकांश दुकानें लगभग 24 दुकानें ऐसी जो आलोट क्षेत्र में जिनको होम डिलीवरी के लिए नियुक्त किया गया, साथ ही कुछ जो शासन की तरफ से जिला शासन की तरफ से समय दिया जा रहा है उस समय अवधि में ही दुकानें खुल रही है और लोगों को सामान मिल रहा है। निश्चित तौर पर बढ़िया है, और लेकिन आलोट रतलाम जिला अगर रेड जोन में आ गया तो ये कैसे हो सकता है कि तहसील को ग्रीन जोन में रखे जाए, और हो सकता है भविष्य में अगर वहां पर बढ़ती है तादाद तो फिर ये भी हो सकता है कि ग्रीन नहीं तो ऑरेंज में भी डाल दिया जाए। चलिए, रतलाम मुख्यालय ये जो मिल रहे हैं उससे कितनी दूर है आलोट मुख्यालय? ये आलोट मुख्यालय से आलोट लगभग 80 से 85 किलोमीटर दूर स्थित है, उसके पहले जावरा, ताल और आलोट, ऐसे कुल मिला के रतलाम जिले की लास्ट बाउंड्री में आलोट आता है, लेकिन आसपास जो 3 जिले हैं जो अपनी सीमा से सटे हुए हैं, आलोट की सीमा से सटे हुए हैं, और 5 किलोमीटर की दूरी पर ही राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। ऐसे में आलोट क्षेत्र में प्रशासन ने मुस्तैदी से अपने यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति ना आ जाए जो ग्रीन जोन में है, ये कहीं येलो ऑरेंज या रेड ना हो जाए, इसकी चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाए रखे हुए हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए राकेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरविंद चौहान जुड़ गए हैं। अरविंद जी, क्या कुछ न्यू अपडेट है आपके पास? पहले तो कोरोना से जुड़ा न्यू अपडेट क्या है? दीपक, साफ तौर पर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जब से कोरोना ने प्रवेश किया है तब से यहाँ की राजनीति में भी कहीं ना कहीं उठापटक चल रही है। 2 मार्च से शुरू हुआ यहाँ पर कोरोना का जो कह सकते आगमन था, और तभी से यहाँ की राजनीति दोनों कह सकते कोरोना और राजनीति दोनों से ये प्रदेश बराबर जूझता चला रहा है। इस समय प्रदेश के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हम पूरे दूसरे प्रदेशों की बात करें तो इस वक्त मौतों की संख्या में कहें या हम कह सकते हैं जो संक्रमण जो संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उसमें बराबर इजाफा होता चला जा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय अभी तक
प्रदेश के दो जो बड़े शहर हैं वो बने हुए हैं, इंदौर और भोपाल। इंदौर में जो मौत का आंकड़ा बराबर बढ़ता चला जा रहा है, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि भोपाल में जरूर मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बराबर बढ़ती चली जा रही है। और एक जो भोपाल का एक एरिया है जिसे पुराना भोपाल कहते हैं, वो पूरी तरह इसकी चपेट में आ गया है। इससे पहले अगर एक हफ्ते पहले की बात करें तो पूरे भोपाल में कोरोना फैला हुआ था, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं काबू पा लिया गया है, काबू पाने के साथ साथ। लेकिन अब एक एरिया ऐसा है जहां पर कोरोना ने पूरी तरह पैर पसार लिए है, और साफ तौर पर सबसे वहीं पर सीएसपी वहीं पर पॉजिटिव निकले थे, और कुछ कॉन्स्टेबल भी वहीं पर पॉजिटिव निकले थे। लेकिन अब पूरा जो जहीराबाद एरिया है, पूरा जो पुराना भोपाल है, जहां पर निकलना मुश्किल हो रहा है, और जो वहां सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए है और जिला प्रशासन के लिए है कि कैसे भी करके जहीराबाद में अगर ये वहां कोरोना फैला, तो आप निश्चित मान लीजिएगा कि ये दूसरा धारावी बन जाएगा भोपाल का, जहीराबाद। जो जो हालात इस समय धारावी बॉम्बे के हैं, वही हालात कहीं ना कहीं जहीराबाद की ना हो जाए, ये चिंता का बड़ी विषय है जी। बड़ा विषय होगा निश्चित। और दूसरी खबरों के लिए हम आपके पास आएंगे, लेकिन सुरेश मालवीय जुड़ गए हैं रतलाम के सैलाना तहसील से। सुरेश, सैलाना में कितने संदिग्ध हैं, कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, कितने सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आ गई है, आना बाकी है? सर जिलाखंड 11 सभी हमारे से इनकी रिपोर्ट आ गई है सर, सभी नेगेटिव पाए गए हैं। जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं अच्छी महाविद्यालय और विरोधी है यहाँ पे सर, वो वहाँ पे बनाए। जैसा कि इसके पहले बताया कि ऑरेंज जोन में है रतलाम, तो सैलाना भी ऑरेंज जोन में है कि ग्रीन जोन में? ऑरेंज जोन में सर, सैलाना ऑरेंज जोन में है, जबकि वहाँ एक भी पेशेंट नहीं पाया। संदिग्ध है कुछ? संदिग्ध है सर, उसकी रिपोर्ट आई है तो वो सर सारे नेगेटिव पाए गए। क्वारंटाइन सेंटर कितने बनाए गए हैं यहाँ पे? सर इस रतलाम में बनाया गया है। स्क्रीनिंग कितनी हुई है? स्क्रीनिंग सर यहाँ पे सर 50 करीब स्क्रीनिंग हुई है। और सैंपल कितने लिए गए थे, जिसमें से जो आप बोल रहे नेगेटिव आए हैं, अब तक कितने सैंपल लिए जा चुके हैं? यहाँ पे 11 लोगों के सैंपल लिए गए थे, पास के गाँव के हैं, 8 एच थे, 3 एच थे, उनमें से सभी के नेगेटिव पाए गए। चलिए, और कुछ थोड़ा बहुत सैलाना का हाल चाल बता दीजिए, क्या है सैलाना में, बाकी क्या चल रहा? बाकी सब पूरी बस्ती है यहाँ पे, बस्ती है। और मस्ती में राशन वाशन मिल रहा है लोगों को, खाने पीने का सामान मुहैया कराया जा रहा है, चूंकि ऑरेंज जोन में है तो दुकानें कब खुल रही, कब बंद हो रही? सुबह 11 बजे से 5 बजे तक की दुकानें खुल रही है सर, इसमें किराना की, जूते चप्पल और फल फ्रूट की दुकानें सब। जूते चप्पल भी मिलने लगे वहाँ। हाँ, ऑरेंज जोन सबसे पहले वो खुले। चलिए, शुक्रिया आपका सुरेश तमाम जानकारी के लिए। अरविंद जी, जी दीपक, ये निश्चित तौर पर एक बुरी खबर जरूर है, जो कुछ जिले ऐसे थे जो ग्रीन जोन में आ रहे थे प्रदेश के, वो उनमें अब कोरोना संक्रमण फैल गया है, वहां तक ग्रीन जोन को भी कोरोना ने नहीं छोड़ा है। अभी एक गुना शुरू से जो लगभग कह सकते हैं लॉकडाउन को भी 40 दिन से ऊपर 45 दिन लगभग हो गए हैं, और साफ तौर पर 2 महीने से ज्यादा यहां पर कोरोना का कार्यकाल हो गया है अपने प्रदेश में। इसके बाद भी कुछ ऐसे जिले थे जहां पर कोरोना ने कह सकते हैं कि उन जिलों ने कोरोना पर विजय पाई हुई थी, लेकिन बराबर धीरे धीरे कह सकते हैं कि 2 या 3 दिन पहले जो 35-36 जिले थे कोरोना संक्रमित, अब वो 40 हो गए हैं, बस 12 जिले ऐसे बचे हैं पूरे प्रदेश के। ये बहुत बड़ी चिंता का और चिंतनीय सब्जेक्ट है कि गुना जैसे जो शहर है वहां पर इतनी ज्यादा शक्ति है कि वहां किसी को बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो जो आवागमन जो खोला गया है उससे कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो संक्रमित होकर आ रहे हैं और वो दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। उसी के चलते आज गुना में पेशेंट मिला है, तो गुना भी अब कह सकते हैं ऑरेंज जोन में आ गया है, जो शुरू से बराबर ग्रीन जोन में था, वहां पर सारी जो सुविधाएं ग्रीन जोन के जिलों को दी जा रही थी वो आ गया। और साहब तो मैं अभी और भी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ चीजों में ढील और दी है, और साथ में जो फैक्ट्रियां हैं वो चालू करने की बात कर दी गई है, फैक्ट्रियां क्योंकि पहले ही चालू कर दी गई थी, लेकिन कुछ उनके साथ बंदिशें लगाई गई थी कि उन्हें जो स्टाफ है, जो मजदूर रहे काम करेंगे, जो श्रमिक काम करेंगे उनके यहां, उन्हें वो अपने यहां रखेंगे, लेकिन उससे मुक्ति मिल गई है। इसी के चलते कह सकते कि जो समय बढ़ाया गया है 7 बजे से लेकर 7 बजे तक का, उसमें थोड़ा सा ढील दी जाए। एक चीज और की गई है कि जो फैक्ट्रियां यहां पर संचालित की जाएंगी, जो 8 घंटे की शिफ्ट थी उसे अब बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, और साथ में श्रम का एक बड़ी खबर यह भी है कि जो श्रम कानून में लगभग कह सकते हैं कि 33-34 जो पॉइंट थे वो सब खत्म कर दिए हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ, अरविंद आपके पास आएंगे, इरफान खान जुड़ गए हैं हमारे साथ बाजना के संवाददाता हैं। इरफान जी, क्या खबरें हैं बाजना की? सर बाजना में भी राहत भरी खबर है सर, जैसा कि सर मैं बताना चाहूंगा कि बाजना में कलेक्टर एसपी के दौरे के बाद अभी तक कोई भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिल पाया कोरोना का। कलेक्टर एसपी के दौरे के कारण कोरोना भाग गया क्या? नहीं सर,
फिर एसपी और कलेक्टर के दौरे से भागा नहीं है सर, एसपी और कलेक्टर के द्वारा सर ग्रामीण एरियो में जाके लोगों को जागरूक किया गया है कि जी हाँ, क्योंकि बाजना और तहसील तहसील स्तर से सर देखा जाए तो बहुत सारे ग्रामीण लाइन के लिए गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत इधर मजदूरी करने के लिए गर्मी में जाते रहते हैं। इसके लिए कलेक्टर और एसपी ने देर रात्रि में भ्रमण करके वो लोगों को जागरूक किया, जिसको लेकर आज तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया नहीं गया सर बाजना में। नहीं, ये बताइए सैंपल कितने लिए गए बाजना में? सर तीन जनों के सैंपल लिए गए, वो भी संदिग्ध है सर, जिसमें देखा जाए तो वो टेम्परेचर के द्वारा देखा गया था उनको सर, टेम्परेचर उनका चेक किया गया था गर्मी में, तो उसके द्वारा उनको देखने पर उनकी सर टेम्परेचर 107 और 108 आ रहा था, तो जिसको लेकर उनको क्वारंटाइन किया गया था 14 दिन के लिए सर आईटीआई कॉलेज में। लेकिन उनके सैंपल नेगेटिव आए? जी सर, तीनों के सैंपल नेगेटिव और तीनों के सर डिस्चार्ज कर दिया गया सर हॉस्पिटल से। चलिए, और भी बहुत सारे होंगे, सिर्फ तीन सैंपल लेने के बाद बाजना ग्रीन जोन ऑरेंज में है, क्योंकि उससे लगा हुआ है शायद। इरफान, वहाँ पर ग्रीन जोन है या ऑरेंज? ऑरेंज नो सर, ग्रीन जोन है सर, ग्रीन जोन तहसील स्तर है ना सर, ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन है। सिर्फ तीन सैंपल लिए गए हैं, और भी तो बहुत सारे सर जांच की स्क्रीनिंग की गई है, तो सर 16,000 की स्क्रीनिंग की गई, पर अभी तक ऐसा कोई संकेत पाया नहीं गया सर उसके अलावा। स्क्रीनिंग 16,000 की गई है जी, 16,000 की गई और अभी भी सर जारी है। सीमाएं किस तरह से सील की गई, वहाँ पर राशन बासन का क्या कुछ इंतजाम किए गए? जी सर, जब मेन रोड है सर, एक बांसवाड़ा जिला लगता है, तहसील स्तर पर सर एक कुशलगढ़ लगता है जो राजस्थान मेन रोड, उन सीमाओं पर सर बॉर्डर लगाई गई है, चेक पोस्ट लगाई गई और आने जाने वाहनों को रोका जा रहा है। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगा सर कि राउटी जो क्षेत्र लगता है सर, राउटी तहसील, जो राउटी तहसील में सर 8 लोगों के रिपोर्ट ली थी, जांच के दौरान रिपोर्ट बताई गई थी, उसमें सर 3 लोग जो थे सर, 3 के सर उसकी संगीत ज्यादा लग रहा था, तो सर उनको रतलाम क्वारंटाइन के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा गया था। बाकी के जो 8 लोग 5 लोग बचे थे सर, जो 5 लोगों को राउटी के अंदर ही सर क्वारंटाइन किया गया था 14 दिन के बाद, उनको भी डिस्चार्ज किया गया उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद। और सर वहाँ राउटी का मैं बताना चाहूंगा कि जैसा देखा जाए तो 15,500 रुपए स्क्रीनिंग की गई है सर उनकी भी अभी तक, और अगले दौर में सर स्क्रीनिंग जारी है सर। चलिए, तमाम जानकारी के लिए इरफान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अरविंद जी, कुछ सब राजनीतिक बात हो जाए, कुछ मंत्री 5 मंत्री कहाँ है, किसकी जगह पे हैं, और कुछ नई ताजी? एक बात जरूर हम बताना चाहेंगे कि क्योंकि राजनीतिक तो क्योंकि यहाँ बराबर चल ही रहा है, और साफ तौर पर एक चीज है कि पूरे देश में इसमें संकट काल चल रहा है, संकट काल के साथ साथ मध्य प्रदेश कुछ ज्यादा ही संकटों से जूझ रहा है। साफ तौर पर कह सकते हैं राजनीतिक संकट चल ही रहा है, जैसा कि सभी देख रहे हैं साफ, और इसके बाद पिछले 48 घंटे से बराबर बुरी खबरें प्रदेश के लिए आ रही हैं। मथुरा में 7 मजदूरों की मौत हो जाती है जब वो वहां से कोरोना काल के चलते, कोरोना के संकट के चलते अपने घर जाते हैं, इसके बाद अभी 24 घंटे भी नहीं हुए उस घटना को खत्म हुए, उसके बाद जो महाराष्ट्र में घटना हुई, तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि मध्य प्रदेश में इस समय कहीं ना कहीं राजनीतिक उठापटक चल रही है, संकट काल चल रहा है, राजनीति का संकट काल भी चल रहा है, कोरोना का संकट काल भी चल रहा है, साफ तौर पर यहां के जो लोग हैं मजदूर हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत बुरे संकट से गुजर रहे हैं। अब हम बात करते हैं राजनीति की, तो यहां पर जो आपने बताया वो सारा निर्मल बता चुके थे जी, राजनीतिक कुछ नई चीजें एक यहाँ राजनीति में पूरा खाका त्रिपाठी जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, किन्हें मंत्री बनना है, किन्हें कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री बनना है, किन्हें राजमंत्री बनना है, पूरा खाका तैयार हो गया है। पिछले 3 दिन से पूरा राजनीति के जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं जिन्हें मंत्री बनना है और राजमंत्री बनना है वो पूरा यहीं पर राजधानी में डेरा डाले हुए थे, और पिछले 3 से 4 दिन से बराबर प्रवक्ता और जो यहाँ के बीडी शर्मा अध्यक्ष हैं वो बराबर संगठन मंत्री के साथ बराबर डिस्कस कर रहे थे, और पूरा सब कुछ पूरी कह सकते हैं कि वो करने के बाद माता बच्ची के साथ साथ पूरी मशक्कत करने के बाद पूरा चार्ट तैयार कर लिया गया है, और वो पूरी जो मंत्रियों का पूरा चार्ट बनाकर और वहाँ मुख्यालय भेज दिया गया है, शीर्ष नेतृत्व को भेज दिया गया है, बस अंतिम मोहर लगनी बाकी है। हो सकता है जो सूत्र निकलकर सामने आ रहे हैं कि संडे को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, संडे क्योंकि परसों भी है और 17 तारीख को भी है, तो ये देखना होगा अगर कल तक वहाँ से कुछ आ जाता है। 17 को भी लॉकडाउन नहीं खत्म होगा, 17 तक है लॉकडाउन, 17 तक है, तो मंडे जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कल
वहाँ से कल या परसों से वहाँ से लिस्ट बनकर अगर आ जाती है, उस पर मोहर लग जाती है, तो निश्चित तौर पर सोमवार को और नहीं तो अगले सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार निश्चित होना है। और एक चीज और भी निकलकर सामने आ रही है कि जो कांग्रेस के बागी विधायक थे, जो जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, उसमें से जो बिल्कुल 100% जो खबरें निकलकर आ रही है, वो 10 में से 10 मंत्री बनाए जा रहे हैं, एक बड़ी खबर है। और साफ तौर पर 17 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बनाए जाएंगे और 10 मंत्री उसमें ये जरूर कयास लगाया जा रहा है जो हरदीप सिंह डंग हैं और जो एक दो मंत्री और उन्हें कैसे हो सकते हैं अरविंद, जैसा कि ये है कि 17 उनके बनाए जा रहे हैं, 4 पहले से बनाए जा चुके हैं, 2 जो पहले से बनाए जा चुके हैं तो उनको माइनस करेंगे तो 8 हुए। हाँ 8, 17 भाजपा की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें 10 में से ये जो खबर निकल के आ रही है वो खबर जो अपने पास है वो ये है कि इसमें 10 में से 2 राज्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, ये बड़ी खबर है। और साफ तौर पर जो 17 भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बनाए जा रहे हैं उसमें से 5 राज्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। और ये बस एक या दो दिन में इसका फैसला हो जाएगा। मतलब अरविंद की जो बागी पूर्व विधायक है, अभी विधायक नहीं है जी, जिन्होंने बगावत की थी, तो इनमें से 2 बन चुके हैं, 4 और मैंने टोटल 8 बनने हैं, यानी सिंधिया जी के खेमे के जो 4 बचे हैं, प्रभु राम चौधरी हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, इमरती देवी हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, ये 4, इसके अलावा 4 और बनने हैं, 4 और बनने हैं। और ये जो सिंधिया जी के खेमे से नहीं थे लेकिन कांग्रेस से सरकार से नाराज होके गए थे, उनमें एदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और हरदीप सिंह डंग, इनमें से ये 4 में बनेंगे, इन 4 में से 2 राज्य मंत्री, क्योंकि ये तो पूरे कैबिनेट थे पहले से। हाँ प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, सब कैबिनेट जो 4 थे इनके, ये तो ग्रीन सिग्नल में है, इनका तो बिल्कुल ग्रीन जोन जो चल रहा है ना वो तो ग्रीन जोन में है, इनका कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 तो बनने ही बनने थे। जो 4 आपने जो नाम बताए उनमें से 2 राज्यमंत्री जाना है, अब 2 राज्यमंत्री में हरदीप सिंह डंग का नाम जो सुनने में आ रहा है और एक नाम और भी सुनने में आ रहा है, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव होंगे, क्योंकि अरविंद सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह बहुत सीनियर है, तो ये ऑरेंज जोन में है ये लोग। हाँ ये लोग ऑरेंज जोन में है। चलिए ग्रीन जोन की और अभी बात करते हैं, हमारे साथ दशर सिंह जुड़ गए हैं, संवाददाता दालोद से है जी, मंदसौर के दालोद से, मंदसौर जिले के दालोद से। जिस तरीके से अभी आंकड़ा बढ़ा है दालोदा में, क्या इस तरह से यहाँ पर भी कोई संक्रमित है, क्योंकि मंदसौर में ये आंकड़ा बढ़ रहा है, अब जो नए मरीज मिले हैं, क्या यहाँ से भी कोई एकाद है, क्योंकि मंदसौर जो अब तक ग्रीन में था अब वो ऑरेंज में हो गया? बताऊँ यहाँ पे दालोदा में ग्रीन जोन है, यहाँ पे अभी तक कोई संदिग्ध या कोई पॉजिटिव मिला है, यहाँ पे पूरी तरह लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध या पॉजिटिव अभी तक यहाँ कोई नहीं मिला है। चलो सैंपल कितने लिए गए दालोद से, हम बात मंदसौर की नहीं कर रहे, दालोद की कर रहे हैं जी सर। दालोद से कुल कितने सैंपल लिए गए हैं और कितनी की स्क्रीनिंग हुई है? सर अभी तक दालोदा से सैंपल नहीं लिया गया है, सभी जो बाहर से आए हुए उन्हें घर में होम टाइम लेने की सलाह दी जा रही है। और इंदौर और रतलाम जो हाईवे है इससे जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें रोक के स्किन स्वास्थ्य विभाग से चेकअप करके उन्हें जाने की दस्ते से जाने की इजाजत दी जा रही है। बोले सैंपल एक भी लिए नहीं गया दालोद से? नहीं सर अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध या ना कोई पॉजिटिव मिला है यहाँ। दालोदा में कोई भी मजदूर या कोई भी आया गया नहीं है, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी संदिग्ध? सर जो बाहर से आए हुए हैं जो उन्हें घर में ही होम टाइम लेने की सलाह प्रशासन द्वारा उन्हें घर में ही होम टाइम किया गया है और ऐसे और जो शासकीय जो भवन है उन्हें चिन्हित करके दालोदा में होम टाइम सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक कि ऐसा कोई संदिग्ध नहीं आया गया, नहीं कोई दालोदा में ऐसा कोई पॉजिटिव आया है। सरकारी कार्यालय वगैरह क्वारंटाइन के लिए अधिग्रहित किए गए हैं क्या? जी दो जो शासकीय भवन है जिन्हें चिन्हित करके होम जिन्हें क्वारंटाइन करने के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, मंदसौर से जो वहाँ से यहाँ से कितनी दूरी है दालोदा से? मंदसौर से दालोदा से 15 किलोमीटर की दूरी है और पूरी तरह प्रशासन अलर्ट है, ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को दालोदा में नहीं आने दे रहे हैं, यही शहरी क्षेत्र से लोगों को यहाँ आने दे रहे हैं, जैसे हर जगह चौराहे पे पुलिस प्रशासन के जवान लगे हुए हैं और पूरी तरह प्रशासन अलर्ट है। चलिए दुकानें खुली है ग्रीन जोन है जी, सुबह प्रशासन का जो निर्देश है सुबह 7 से 10 बजे तक उसी समय में निर्दिष्ट समय में दुकानें व्यापारियों द्वारा दुकानें खोली जा रही है
और उसके बाद कुछ जरा फिर से लॉकडाउन। शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी है, दालोद में भी शराब की दुकान है, क्या खुल गई है? जी, दालोदा में भी शराब की दुकानें खुल गई है और उन्हें जो समय दिया गया है उसी समय के आधार पर दुकानें नियमित समय पर खोल दी जा रही है। नहीं तो जैसे सब जगह से आ रहा है शराब दुकान खोलने के बाद, सारे सोशल डिस्टेंसिंग के जितने भी नियम कानून थे सब ध्वस्त हो गए थे। शराब लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर लोग टच कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, ऐसी ही वहाँ भी हुआ है कि वहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके लिया है लोगों ने? नहीं सर, वो जो भी दुकानें लाइनें लगी हुई हैं, गोले बना रखे हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो गोले बना रखे हैं, सभी अपने अपने गोले नियम के पालन कर रहे हैं, लोग गोले में खड़े रह के पूरी तरह लाइन में शराब ले रहे हैं। चलिए, ग्रीन जोन ने जो आपने बताया कि दुकानें 7 से 10 अगर सुबह या फिर शाम तक? मैं सर ये सुबह सेशन के जो आदेश ही हैं, जो सुबह 7 से 10 बजे के जो आदेश हैं, उसी में व्यापारी अपनी दुकानें खोल के अपना व्यवसाय कर रहे हैं। चलिए, दालोद के जो शराबी हैं वो बड़े ईमानदार हैं, बोलता रहे गोले में, गोले में ही खड़े होते, बाकी अलग अलग खबरें आ रही। चलिए, तमाम जानकारी। अरविंद जी, मतलब आपने जो खबर दी उसके अनुसार जो सिंधिया जी के 18 गए थे, उसके अलावा 4 स्वस्फूर्त स्वयं के मन से गए थे, कमलनाथ सरकार से नाराज होकर मंत्री ने बनाया, ये चारों भी उपकृत हो जाएंगे। अब दो कौन हो सकते हैं? हरदीप सिंह डंग और निश्चित तौर पे दूसरे राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव जो राज्य मंत्री हो सकते हैं। नहीं, थोड़ा पेच और फंसा हुआ है, पेच एक्चुअल में कुछ नाम गए हैं, जैसे सागर जिले में अगर बात करें, सागर और बिंद क्षेत्र जो आता है उसमें कहीं कहीं, क्योंकि बिंद क्षेत्र ने इस बार भाजपा को सारी सीटें भाजपा को निकाल के दी है, तो वहां से किन किन का नाम आता है ये थोड़ा पेच फंसा हुआ है। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि चार वो जो ऐसा लग रहा था कि वो ऑरेंज जोन से रेड जोन में न चले जाए तो ग्रीन जोन में आ जाएंगे वो निश्चित तौर पे, वो हरदीप सिंह नंग, नेरल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह, राजवर्धन सिंह, ये ऑरेंज जोन, ये ग्रीन जोन में आ जाएंगे। दूसरा, आपने कहा 17 में से 5 बीजेपी के भी राज्य मंत्री हो सकते हैं, उसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ जहाँ तक, क्योंकि जो सूत्र निकल कर सामने आ रहे हैं हो सकता है कि कहीं फेरबदल हो जाए। एक भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर में सिर्फ एक ऐसे विधायक भाजपा के हैं जिन्होंने भाजपा की इज्जत बचाई थी, पूरे पांचों के ग्वालियर विधानसभा जिले में 6 विधानसभा सीट है जिसमें से पांचों थी और सिर्फ एक लोक विधानसभा सीट गई थी इनके खाते में, भारत सिंह कुशवाहा जो विधायक थे वहाँ, तो उन्हें राज्यमंत्री बनना उनकी संभावना व्यक्त की है। इसके बाद भिंड जिले की बात करें तो पूरे भिंड जिले में 6 विधानसभा सीट है, उसमें से सिर्फ अरविंद भदौरिया को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी सीटें भाजपा और समाजवादी बहुजन समाजवादी की पार्टी, कांग्रेस। हाँ, इसके बाद उसमें मुरैना में तो भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इसके बाद अगर बात करें शिवपुर की तो रावत को हराने वाले एकमात्र वहां आदिवासी नेता हैं, उनका भी नाम चल रहा है। हाँ, सीताराम आदिवासी, उनका भी नाम चल रहा है। तो सवाल ये है कि अब कैसे ये पूरा ये जो भाजपा है, जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने अपने लोगों से ये कहा हुआ है कि 2023 तक हमारी सरकार थी ही नहीं, जिसे मिल रहा है हंसी खुशी ले लो, क्योंकि 2030 तक वो जैसे थे वैसे रहो, इसी के चलते कहीं नहीं कह सकते हैं कि आराम से जो जिसे मिल रहा है, जो पद मिल रहा है। और एक बात और भी है यहाँ पर, जो कह सकते हैं भाजपा के बागी विधायक, मतलब बागी यहाँ भी होने की संभावना है, क्योंकि ये कह सकते हैं ह्यूमन नेचर है, नहीं मिलता तो आदमी बागी होता है, और कहीं नहीं कह सकते कि जैसी दुआ हमारी कबूल नहीं होती तो खुदा बदलने का रिवाज भी यहाँ पर राजनीति में ज्यादा होता है। उसी के चलते कह सकते हैं कि कुछ जो भाजपा के बागी होंगे उन्हें कांग्रेस अपनी तरफ ले जाने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं कह सकते हैं कि अभी जो उपचुनाव होने हैं तो कहीं भाजपा का जो पूरा जो स्वभाव है वो ये है कि जो समय कम है अरविंद, जो हाँ मैं आपको बस शॉर्ट बता रहा हूँ कि जो भाजपा का नेचर है, स्वभाव है, वो अपने जो अपने लोगों को कहीं नहीं बनाने का काम करेगा। जो निगम मंडल है, निगम मंडल का अभी समय है लंबा, और ये आपने अच्छी खबर दी कि 17 बीजेपी से और 10 ये कुल मिलाकर के आप, मतलब 5 पहले से हैं, 17 और 8 25 मैंने 30 लोगों का मंत्रिमंडल हो जाएगा। आपने कहा खुदा बदलने का रिवाज, लेकिन कभी कभी होता है ना खुदा मिले ना मिसाले सनम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी देने के लिए। बलवंत भट्ट है हमारे साथ, है मंदसौर की पूरी जानकारी देंगे। बलवंत, क्या जानकारी है आप खुद ही बता दीजिए, फिर मैं बाद में
सवाल करेंगे। जी मैं बताना चाहूंगा कि मंदसौर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी तक टोटल आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 55 मामले कोरोना पॉजिटिव से आए हैं, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अपन लगातार जो पिछले 5 दिन है वह मंदसौर के लिए बुरे गुजरे हैं, क्योंकि ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा। ये 4 लोगों की जो डेथ हुई है, आपने कहा कुल कितने आए एक बार फिर बताइए, 4 की डेथ हुई है, तो क्या इनको और भी कोई बीमारी थी जिनकी डेथ हुई है? 55 लोग टोटल कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 4 लोग जो डेड हुई है, अधिकांश जिसमें से बुजुर्ग शामिल है, एक 73 वर्षीय है, एक 43 वर्षीय युवक जिसमें बताया जा रहा है, लगभग लगभग सभी जो डेड वाले हैं वो बुजुर्ग लोग भी सामने आए हैं जी। पर ये 12 मरीज मिले हैं गुरुवार को, ये मरीज कौन थे, क्वारंटाइन पहले से थे, संदिग्ध थे, आंकड़ा काफी बड़ा है। बिल्कुल, जो 12 मरीज इस एरिया से मिले हैं वो गुदरी क्षेत्र है, जहाँ पे कुछ दिन पूर्व एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हुई थी। उसी महिला के परिवार से लगभग 30 लोग अभी तक संक्रमित पाए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि महिला के जनाजे में लगभग 50 लोग शामिल हुए थे, जिसमें से सभी को क्वारंटाइन किया गया था और उसके बाद से उन लोगों के सैंपल लिए गए, तो अभी तक 30 लोग उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 30 लोग सिर्फ एक घर से? एक घर से 30 लोग? हाँ, एक ही परिवार से। तमाम वहाँ के गुजरी क्षेत्र में जो एक परिवार है, कम से कम 8 से 10 भाइयों का परिवार है, सभी भाइयों के परिवार से मिलाकर 30 लोग अभी तक उसी परिवार से कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और डेथ भी इसी परिवार से हुई है कि दूसरे परिवार से हुई? उसी परिवार से महिला की डेथ हुई थी, और डेथ होने के बाद महिला की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि प्रशासन ने ये परिवार कोई से है बता सकते हैं क्या, मुखिया का नाम, किसी का नाम, परिवार के मुखिया का नाम या किसी और का नाम? बुजुर्ग व्यक्ति थे, हालांकि उनका नाम प्रशासन ने यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया था, क्योंकि जिला कलेक्टर ने तमाम समाचार पत्रों को निर्देशित किया था कि कोरोना पॉजिटिव जो लोग पाए जाते हैं जिनके नाम उजागर नहीं किया जाए। चलो चलो फिर ठीक है, नाम उजागर नहीं, लेकिन ये कहीं बाहर से आए थे क्या, कहीं संक्रमित कैसे हुए, कुछ संक्षेप में बताएंगे? मंदसौर में टोटल 55 मामले अभी तक आए हैं, लेकिन प्रशासन एक भी मामले में सिर्फ एक महिला जो है जिसने स्वयं एक्सेप्ट किया था कि वह पुणे से आई है और वहां से उसे संक्रमित होने का खतरा था। मरने वाली महिला का नाम बता सकते हैं? फिलहाल अभी तक प्रशासन ने जो मृतक जो है या फिर कोरोना पॉजिटिव है एक भी नाम की सूची अभी तक जारी नहीं की है। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है बलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय जुड़ गए हमारे साथ। संजय, क्या कुछ नई चीजें आप आज लेकर के आए? बिल्कुल सर, अगर आप बात करें बहुत समय से एक जिस ओर अगर देखा जाए 150 और 160 दिनों से जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी अपनी वेतन मांग को लेकर, हम बात करते हैं अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों की। सर, अभी तक अतिथि शिक्षकों ने 150 दिनों से शाहजहानी पार्क में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी उनका प्रदर्शन चल रहा है। लॉकडाउन होने के दौरान भी हर आदमी सांकेतिक तौर पर एक आदमी वहां पर बैठता है और अपना प्रदर्शन कर रहा है। उनकी एक ही मांग है, चाहे हम कांग्रेस सरकार में बात जाए तो कांग्रेस सरकार के जिस प्रकार के वादे कहे थे कि अतिथि शिक्षकों को हम नियमित करेंगे, उसी आस पर आज 150 दिनों से अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान आज तक शाहजहानी पार्क में बैठे हुए हैं और अपने मांग को लेकर चल रहे हैं। वहीं उनकी एक और मांग थी कि अतिथि शिक्षकों को जो वेतन मांग की बात आ रही है कि उनका जो लॉकडाउन के दौरान उनका वेतन मांग रोका गया था उसको आदेशित किया जाए कि उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, तो अभी शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत अब अतिथि विद्वानों का भी जो लॉकडाउन के दौरान अगर स्कूलों में भी नहीं जा पाए हैं तो उनको भी उनका भी वेतनमान दिया जाएगा। सर, एक चीज और देखने को आ रही है, जिस प्रकार हम अभी शिक्षकों की और टीचर्स की बात या शासकीय कर्मचारियों की बात कर ले, तो शासकीय कर्मचारियों में जो तकनीकी अतिथि विद्वान हैं आज भी वो अपने वेतनमान को लेकर अब उन्होंने प्रदर्शन चालू कर दिया है। उनमें सांकेतिक तौर पर फेसबुक, ट्विटर और अन्य जहां पे भी इस प्रकार की वेबसाइट है वहां पर अपने काले मास्क और काले फोटो लगाकर सरकार से मांग की है कि उनका भी वेतनमान दिया जाए। अभी तक 2 महीने से उनका भी वेतनमान नहीं मिला, जिसको लेकर अतिथि जो तकनीकी अतिथि विद्वान है वो बड़े परेशान है। सर, वही बात कर ले तो शासकीय कर्मचारियों की जो बात आती है, शासकीय कर्मचारी जो 4.5 लाख प्रदेश में 4.5 लाख शासकीय कर्मचारी है, उनका भी जो एरियस मिलने की बात थी तो आज तक उनको एरियस नहीं मिला। शासकीय कर्मचारियों का साफ आरोप है कि जो मई माह में इनके सातवें वेतनमान का जो एरियस की किस्त मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिली है, और अगर वो जाते हैं जिस अगर वेबसाइट पे भी इसको डाउनलोड करते हैं तो संजय एक मिनट रुकिए, हमारे साथ है अनूपपुर जातरी से हेतराम वर्मा जी जुड़ गए हैं। हेतराम जी, अनूपपुर में कितने पेशेंट कुछ मिले नहीं मिले, कितने सैंपल लिए गए? सर बता दूं आपको कि अनूपपुर जिले में
165 लोगों के सैंपल लिए गए थे। हाँ? 165 लोगों के सैंपल, 3 लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, 162 लोगों के निगेटिव रिपोर्ट आई है। फिर से एक बार बता दीजिए, कुछ आवाज गड़बड़ हो गई जी सर। फिर से एक बार बता दीजिए कुल कितने सैंपल लिए गए हैं, 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, ये एक बार फिर से बता दीजिए कि कितने सैंपल लिए गए हैं टोटल। टोटल सर 165 सैंपल लिए गए थे। हाँ, इसमें से 3 पॉजिटिव रिपोर्ट आए थे और 162 निगेटिव आए थे। चलिए, ये 3 लोग कहाँ एडमिट हैं सर? ये 3 लोग अभी आइसोलेशन वार्ड पे एडमिट है, अनूपपुर पे। अनूपपुर में जी, इनकी कुछ जानकारी मिली हालत में, स्वास्थ्य सुधार में, कितने दिन हो गए इनको पॉजिटिव पाए हुए? सर इनको अभी 1 हफ्ता हो गया पॉजिटिव आए हुए, जो अभी आइसोलेशन वार्ड पे है। और स्वास्थ्य विभाग से जो बात हुई है उसमें मतलब पता चला है कि मतलब इनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, मतलब ठीक है। ये संक्रमित कैसे हुए थे, कहीं बाहर से आए थे? ये सर एक महिला और एक पुरुष है जो भोपाल के जहांगीराबाद से आए थे, और एक पुरुष है जो अहमदनगर महाराष्ट्र से आया था। चलिए, इनके बाकी परिवार के लोगों को भी क्वारंटाइन किया है सर? जैसे ये आए थे उनको मतलब ये पहले आप प्रशासन को जानकारी दिए थे, प्रशासन को जानकारी दिए और प्रशासन ने सुगर टीम को क्वारंटाइन कर दिया था, इनको परिवार तक जाने दिया गया। बिल्कुल, अब अगर कोई भोपाल से है तुरंत उसे क्वारंटाइन करें। चलिए, आपका खेत राम जी। संजय जी अपनी बात पूरी कर रहे थे, लेकिन एक बार ये जो अति शिक्षक थे, इन्हें वादा तो कांग्रेस सरकार ने किया था, तो कांग्रेस सरकार गई, तो ये जो अभी बैठे हैं एक दो लोग सांकेतिक, भोपाल के लोग हैं कि बाहर के लोग हैं? सर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से बाहर से जो लोग यहाँ आ गए थे पहले से, क्योंकि ये काफी 145 दिन से अधिक समय हो गया है इनको, और ये यहाँ के रुके थे, जो इनके समिति के सदस्य हैं वो अभी कई तो जा चुके हैं और कुछ यहाँ बैठे हुए हैं। जो यहाँ पे एक प्राइवेट होटल उसमें रुके थे, वो धर्मशाला में, उसके तहत ये लोग रुके हुए हैं और हर आदमी एक एक करके वहाँ पे बैठता है। ये 6 घंटे वहाँ पे बैठते हैं और 6 घंटे में इनका हर आदमी 2-2 घंटे के लिए वहाँ पे बैठता है। अगर सर ये जिस प्रकार डाउनलोड